उसके बाद केस टू क्या है, व्हेन द मेजर ऑफ टू एंगल्स एंड वन साइड आर नोन। अगर ट्राइंगल में आपको दो एंगल पता हो और एक साइड पता हो तो तब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करोगे। अच्छा, इसको याद रखने का तरीका सिंपल है, दो साइड पता होनी चाहिए ना आपको, तो दो साइड अपनी मर्जी से कोई भी लिख लो आप। अगर आप ए बी लिखना चाह रहे हो तो ए के सामने एंगल अल्फा होता है, बी के सामने बीटा होता है, तीसरा एंगल क्या होता है, गैमा, तीसरा एंगल आ जाएगा, ठीक है। अगर आप बी सी लिखना चाह रहे हो तो बीटा और गैमा तो नहीं आएगा, तीसरा एंगल क्या होगा, अल्फा आ जाएगा। अगर आप ए सी लिखना चाह रहे हो तो अल्फा और गैमा नहीं आएगा, तीसरा एंगल आएगा, क्या मतलब, बीटा आ जाएगा। तो इनको इस तरह आप याद कर लेना। इसमें अगर आपको सवाल में दो एंगल और एक साइड गिवन हो तो तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, ठीक है। प्रूफ किस तरह करोगे, सबसे पहले आप साइन लॉ जो है उसको कंसीडर कर लो, कंसीडर कर लिया। उसके बाद अगर इन फॉर्मूलों को आप गौर से देखो, ये जितने एक दो और तीन ये फॉर्मूले देखो, इस फॉर्मूले में आपके पास एक साइड आ रही होती है जिसका स्क्वायर हुआ होता है, जैसे बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, सी स्क्वायर, और बाकी तीन एंगल आ रहे होते हैं। एंगल्स को इग्नोर करो, सबसे पहले साइड देखो। अगर आप ये वाला फॉर्मूला प्रूफ करना चाह रहे हो तो इसमें क्या आ रहा है, ए का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब आप क्या करो, आप कोई भी इस साइन लॉ से दो फॉर्मूले लिखो। आपको पता है तीनों चीज़ें आपस में बराबर है ना, तो आप किसी भी दो को आपस में बराबर ले सकते हो। तो आप कोई दो फॉर्मूले इससे बनाओ, ठीक है। उन दोनों फॉर्मूले में क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, क्योंकि आप जो प्रूफ करना चाह रहे हो वो ए की फॉर्म में प्रूफ करना चाह रहे हो। तो आप साइन लॉ से दो ऐसे फॉर्मूले बनाओ जिसमें ए आ रहा हो, ठीक है। तो मैंने दो कौन से बनाए, एक तो इन दो को कंपेयर किया और एक ए ओवर साइन अल्फा और सी ओवर साइन गामा को कंपेयर किया, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले मैंने बना लिए। उसके बाद सेकेंड स्टेप ये है कि आप, अब दोनों फॉर्मूले में ए आ रहा है, ये तो आपका पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप ये है कि आप ए के अलावा जो दूसरी साइड आ रही है उसका फॉर्मूला बना लो, मतलब उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखो, बाकी सबको राइट हैंड साइड पे भेज दो। तो बी को आइसोलेट किस तरह करोगे, साइन बीटा को उधर ले जाओ, साइन बीटा ए से मल्टीप्लाई होकर इस तरह लिखा है, तो यहाँ से आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह इस फॉर्मूले में ए को छोड़ के दूसरी साइड जो है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे कर लो, किस तरह, साइन गामा को ए से मल्टीप्लाई करो, इस तरह आ जाएगी, और यहाँ पे सी का एक और फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। जब भी आपका स्टेप हो जाए, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अगर आप ये वाला फॉर्मूला प्रूफ करना चाह रहे होगे बी स्क्वायर, तो सबसे पहले आप क्या करना, दो फॉर्मूला ऐसे बनाना जिसमें बी आ रहा हो। एक तो ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, बी ओवर साइन बीटा इक्वल सी ओवर साइन गामा। अब आपको बी चाहिए ना आंसर में, तो आप क्या करो, बी के अलावा जो दूसरी साइड है उसकी फॉर्म में फॉर्मूला बना दो। यहाँ पे सी है, साइन गामा को तो ले जाओ, तो बी साइन गामा ये हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा इसके, ठीक है। इस फॉर्मूले में देखो, आपको फॉर्मूले में बी एंड पे बी चाहिए ना, तो बी के अलावा जो दूसरी साइड है उसकी फॉर्म में करो, ए जो है ना साइन अल्फा को तो ले जाओ, ठीक है। तो ए और सी का आ जाएगा इस तरह, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपने इस्तेमाल करना है। जब आप ये स्टेप कर लो, उसके बाद स्टेप क्या है, देखो आपने एक बी की वैल्यू निकाली हुई है और एक सी की वैल्यू निकाली हुई है। आपने केस वन से एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है, क्योंकि केस वन में दो साइड आती थी, ठीक है। आपने केस वन में एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है जिसमें ये दोनों साइड आ रही हो, बी और सी, जिनके फॉर्मूले आपने निकाले। इस केस में कौन कौन से निकाले, सी और ए के निकालने। तो आपने केस वन में ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है जिसमें ए और सी आ रहा हो, ठीक है। तो अगर मैं इस केस की बात करूँ, इसमें बी और सी है, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला। आप क्या करो, इस फॉर्मूले को कंसिडर कर लो। अगर ये वाला सीन होता, सी और ए आ रहा होता, तो अब आप ये वाला फॉर्मूला कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इस वाले केस में आपने फॉर्मूला कंसिडर कर लिया। अब आप बी की वैल्यू भी पुट कर दो, उसके बाद आप सी की वैल्यू भी पुट कर दो, और साइन अल्फा अपनी जगह पे आ जाएगा। साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल, ए मल्टीप्लाई ए, ए स्क्वायर हो जाएगा, साइन बीटा साइन गामा ऊपर और नीचे सिर्फ साइन अल्फा बच जाएगा, और ये पूरा फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का। तो अब आपको समझ आई हमने ए की फॉर्म में क्यों फॉर्मूला बनाया था, क्योंकि जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ए और ए आपस में मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए हमने बी और सी दोनों को ए की फॉर्म में रखा हुआ था, ठीक है। इस वाले केस में देखो, जब सी और ए आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो बी और बी मल्टीप्लाई होकर बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। जब ये फॉर्मूला प्रूव हो जाए, आप सिमिलरली करके ये भी लिख सकते हो, कैसे, जब ए स्क्वायर आ रहा होगा तो ए के सामने वाला एंगल क्या होता है, अल्फा, तो अल्फा नीचे हो जाएगा, बाकी दो एंगल जो होंगे बीटा और गामा वो ऊपर आ जाएंगे, मतलब साइन बीटा और साइन गामा। इसी तरह बी के सामने वाला एंगल बीटा होता है, वो नीचे हो जाएगा, बाकी दो एंगल अल्फा गामा ऊपर आ जाएंगे। सी के सामने वाला एंगल गामा नीचे आ जाएगा, बाकी दो एंगल ऊपर आ जाएंगे। एक चीज़ जो मैंने स्किप कर दी थी, ये जो डेल्टा का सिंबल है ना, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल को शो कर रहा होता है। आमतौर पर इसे हम ट्राइंगल के सेंस में भी लेते हैं, कभी लिखा हो ना ए बी सी,
तो ये शो कर रहा होता है ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ट्राइंगल के मानों में भी यूज होता है, अगर अकेला इस तरह लिखा होना तो आमतौर पर एरिया के सेंस पे हम यूज़ कर रहे होते हैं, और यहाँ पे तो स्पेसिफिकली एरिया के लिए यूज़ हो रहा है। जो डेल्टा जो है ये शो कर रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल को, ये भी और नीचे भी ये जो है ना डेल्टा, सब आपको इन फॉर्मूले में डेल्टा नजर आ रहा है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल को शो कर रहा है। या तो आप अंग्रेजी में लिख दो एरिया ऑफ ट्राइंगल, या आप डेल्टा लिख दो, एक ही चीज़ है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल। उसके बाद आखिरी केस है केस नंबर 3, और उसमें यह है कि जब आपके पास ट्राइंगल की 3 साइड गिवन हो तो तब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालोगे। उसके लिए सबसे पहले आप कोई भी, जो पहला केस था ना उसके 3 रिजल्ट थे उसमें से कोई भी कंसीडर कर लो। मैंने पहला वाला कर लिया ए बी साइन गैमा, इसमें सबसे पहले क्या करो साइन गैमा की वैल्यू निकालो। चैप्टर नंबर 10 में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डबल एंगल फॉर्मूला जिसको बोलते थे, साइन 2 थीटा बराबर है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब साइन गैमा को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, एक ही बात है 2 से 2 कैंसिल होगा और दोबारा साइन गैमा आ जाएगा, ठीक है। तो साइन गैमा को आप इस तरह लिख दो, साइन 2 गैमा वो 2, 2 से 2 कैंसिल दोबारा गैमा। अगर आप गौर से देखो तो ये फॉर्मूला बिल्कुल ये वाला बन रहा है, बस यहाँ पे 2 के साथ क्या था थीटा और यहाँ पे 2 के साथ क्या है गैमा ओवर 2, तो बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या कहते हैं 2 साइन थीटा, थीटा क्या जो 2 के साथ लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 के साथ क्या है गैमा ओवर 2, इसी तरह कॉस थीटा, थीटा क्या है कॉस गैमा ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल कर दो तो साइन गैमा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2 साइन गैमा ओवर 2 कॉस गैमा ओवर 2, वो मैंने लिख दिया, ठीक है। इन शॉर्ट यार डबल एंगल फॉर्मूले में अगर आप गौर से देखो, इधर जो एंगल है वो डबल है ना, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे क्या है 2 थीटा है, तो लेट कर लो अगर यहाँ पे सिर्फ थीटा होगा तो इसका हाफ क्या होगा थीटा ओवर 2, ठीक वही चीज़ लिखी हुई, अगर साइन गैमा है तो इधर क्या होगा गैमा ओवर 2 गैमा ओवर 2, ठीक है। बहरहाल साइन गैमा का आपने फॉर्मूला बना लिया, जो भी साइन गैमा का फॉर्मूला है वो आप यहाँ पे पुट कर दो, 2 से 2 कैंसिल, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक आ रहा है साइन गैमा ओवर 2, उसका फॉर्मूला आपको पता है वो लिख लो, और कॉस गैमा ओवर 2 उसका फॉर्मूला भी पता है वो भी लिख लो, दोनों के फॉर्मूले आप यहाँ पे पुट कर दो। साइन गैमा ओवर 2 की जगह मैंने ये पुट कर दिया और कॉस गैमा ओवर 2 की जगह मैंने ये पुट कर दिया। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि अगर दो सेम रूट मल्टीप्लाई हो रहे हो, मतलब दोनों स्क्वायर रूट हो या दोनों क्यूब रूट हो या जो भी हो, सेम होने चाहिए, बस स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो आप एक स्क्वायर रूट लिखो और इनके अंदर जो भी चीज़ें हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। इसको जनरल फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, अगर रूट ए मल्टीप्लाई हो रहा हो रूट बी से तो ये बराबर होगा रूट ए बी, आप एक रूट लिखो और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ भी दो रूट मल्टीप्लाई हो रहे थे, मैंने एक रूट लिखा और जो भी अंदर चीज़ें थी दोनों की उनको मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए बी और ए बी मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये चीज़ें तो मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़ मैंने लिख दी। अब ये जो रूट लिखा हुआ है मैंने, ये न्यूमरेटर के ऊपर भी है और डिनोमिनेटर के ऊपर भी है, इसको मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ इस तरह कि ऊपर भी मैं एक रूट लगा दूँ और नीचे भी मैं एक रूट लगा लूँ, इस तरह भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। अगर आप लिखो रूट ए ओवर बी या आप लिखो रूट ए ओवर रूट बी, आंसर एक ही आएगा, सेम चीज़ है। आपको पता है, अच्छा ए स्क्वायर बी स्क्वायर को मैं इस तरह लिख सकता हूँ ए बी स्क्वायर, एक ही बात है 2 मल्टीप्लाई के दोबारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, इस 2 को कैंसिल कर दो स्क्वायर रूट से तो रिजल्ट क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, तो जब मैं स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो मैंने क्या लिख दिया ए बी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये वाला ए बी जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, और ये वाला फॉर्मूला है केस 3 जिसमें अगर आप गौर से देखो ए बी सी 3 साइड ऑफ ट्राइंगल आपके पास आ रही है, और एस एस आपको पता है सेमी पेरीमीटर होता है, इसमें भी ट्राइंगल की तीनों साइड आ रही होती है, तो ये पूरा फॉर्मूला जो हमने बनाया है वो उस वक्त के लिए बनाया है कि जब हमें ट्राइंगल की तीनों साइड पता हो, तो सबसे पहले हम एस निकालेंगे इस फॉर्मूले की मदद से, इसमें भी 3 साइड ऑफ ट्राइंगल आ रही है, जब एस आ जाएगा तो आप वैल्यू पुट करते जाओ और यहाँ पे आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ईजिली फाइंड कर लोगे, ठीक है। इस फॉर्मूले का स्पेशल नाम है और वो नाम क्या है, काफ़ी अच्छा नाम है, हीरोज फॉर्मूला, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट था, ग्रीक, मतलब ग्रीक मैथमेटिशियन था, ठीक है, और इसको हीरोज फॉर्मूला भी बोलते हैं और एक और वर्ड भी होता है हीरोन, एक ही बात है। जो साइंटिस्ट था ना जिसको हीरो ऑफ अलेक्जेंडर कहते थे, उसको हीरो ऑफ अलेक्जेंडर भी कहते थे और हीरोन ऑफ अलेक्जेंडर भी कहते थे, तो आप इसको हीरोज फॉर्मूला भी बोल सकते हो और हीरोन्स फॉर्मूला भी बोल सकते हो, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड इतना ही सब कॉन्सेप्ट था, आप इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं 12.4, तो आपको समझ आएगी इन फॉर्मूलों को आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है।